जकारा पाउणा हरी बाबा जी दा, जकारा दूधा तारी बाबा जी दा। बाबा जी कहिंदे आ कि जिहड़ा कोई सच्चे दिलों गुरु नाल प्रेम करदा, जरूरी नहीं कि गुरु उस रूप में आवे उन्हूं दर्शन देवे। गुरु और परमात्मा किसी ना किसी रूप में जरूर आते हैं, अपने भगतों को दर्शन जरूर देंगे। भगत पहचान करे चाहे ना करे। अज असी तुहानूं कथा सुनावे केदारनाथ की। केदारनाथ विच पर्वतां दे वसिया होया दरबार, बर्फीले पहाड़ आ। सब तो वड्डी खासियत उत्थे आ कि जिहड़ा मंदिर बनया होया वह किसी ने नहीं बनाया होया। इतिहास इदा दसदे लोग कि पांडवों ने बनाया, पर सानू बाबा जी ने दस्या सी कि मंदिर आकाशों उतरे सी इन्हां दे पत्थर, किनू परमात्मा ने स्वयं रचना की है। जदों पांडव आए धरती उत्ते, युद्ध होया कौरवों ते पांडवों का, अंत समय कृष्ण भगवान ने पांडवों नू कहा कि तुसी केदारनाथ चले जाओ, तुहाडी मुक्ति हो जाऊगी। उत्थों तुहानू स्वर्गारोहणी जगह का रस्ता मिलेगा, स्वर्ग दियां पौड़ियां आऊंगियां। पांडव शरीर समेत परमात्मा को चले जाए। पर असी काफ़ी भगत आ हुण इस साल जाके आए केदारनाथ, असी की देखिया किन्ने भगत साढ़े नाल गए सी। सोनू सी, मिंटू सी, रोमी सी, किरण सी, रजनी, किन्ने ही जाने सी, दलवीर भाजी, उन्हां दी वाइफ, हुण जाके आए हुणे रीसेंट। असी सारिया ने अखी दर्शन किए आ, सुनिया सुनिया गल्लां ने। जिहड़ा पिछे पर्वत आ बर्फीला, वह वाधा घटदा सी, कदी वड्डा हुंदा सी, कदी छोटा हुंदा सी। ते उत्थे जिहड़ी फॉग वा वह मिंटां च आ के, फॉग जिहड़ी आउंदी है ना, मिंटां च आ के मंदिर नूं इहदा ढक लैंदी आ। फिर इहदा सुंदर रूप विच आ जांदा बाहर। परमात्मा ने बहुत सुंदर रूप च दर्शन दित्ते इन्हां सारे भगतां ने। वो पर्वत कदी वड्डा हो जाया करे, कदी छोटा हो जाया करे, कदी आकाश ने लग जाए, असीं अखी दर्शन करके आए हुणे। पर कईआं नूं विश्वास ही नहीं होना। कोई विश्वास करे चाहे ना करे, सानूं उहदे नाल कोई मतलब नहीं। असीं अपना विश्वास नहीं टुटण देना। साडा दृढ़ विश्वास आ। तुहानूं इहदे इक सच्चे भगत की कहानी सुणाउंदे आ। बहुत प्राचीन समिआं दी गल आ, बहुत पिछे नूं चले जाइए समय नूं। एक कोई शिवजी महाराज का भगत भोलेनाथ नूं बहुत दिलों प्रेम करता सी। ते उन्हां टाइमां दे उत्ते मोटर गड्डियां कारां दा बसां दा इंतजाम नहीं सी हुंदा। उस भगत को इन्ना धन भी है नहीं, गरीब घरों, पर मैप भी नहीं सी हुंदे। एक दूसरे तो पुछ पुछ के केदारनाथ नूं तुर पिया। उहदे एक पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बस इदां ही तुरिया जांदा तुरिया जांदा केदारनाथ नूं तुर पिया। तुरदे तुरदे नूं कई महीने लगे। जदों बहुत ज़्यादा महीने लगे, केदारनाथ पहुँच गया हो। ते उन्हां टाइमां दे उत्ते अज भी जो रीति रिवाज उत्थे दे, बर्फ ना हो, पर्वत ढक हो जांदे, मंदिर भी बर्फ ना ढक हो जांदा, इन्नी कु बर्फ पैंदी उत्थे कोई आवाजाई नहीं हुंदी। सारा कुछ रस्ते भी पर्वत भी सारे बर्फ ना ढक हो जांदे आ, मंदिर भी बर्फ ना ढक हो जांदा, तो उहदे दरवाजे बंद हो जांदे आ। जिदा उत्थे कहिंदे कवाड़ बंद कर दिते। वो दिन सीगा, हुण उधरों भगत हजे पहुँचा ही आ, तां पुजारियां ने इदा दरवाजा बंद कर दिता। तां पुजारी हुण दरवाजा खोलदे सी, बंद करदे सी। आले दुआले दे कुछ पिंडां दे जिहड़े भगत हुंदे इकट्ठे हुंदे आ, जिहड़े उत्थे सेवा करदे आ, ते उह कहिंदा जी मैं मत्था टेकणा, दर्शन करने आ। उह कहिंदे नहीं, साडे रूल आ, कौन जिहड़ा दरबार आ बंद कर दिता गया कि हुण इह 6 महीने बाद खुलना है, तू उदों आई। उह कहिंदा मेरे को ना पैसा आया, ना कोई कपड़ा लीड़ा, मैनूं मत्था टेक लैंदा मैं वापस मुड़ जाणा, कि मेरे बच्चे भी उड़ीकदे आ, वाइफ उड़ीकदी आ, घर नूं भी जाणा, पर मैं शिवजी महाराज नूं बहुत मानदा दिलों, कि मेरा उह तों सिवाए होर कोई सहारा ही है नहीं। उहने बहुत अरदासां कीतियां, पर उह पंडित जिहड़ा मेन पंडित सी पुजारी सी उह नहीं मन्निया। उह कहिंदा नहीं, वी हुण जिंदे लग गए, हुण नहीं खुलना। तो उह बाहर ही बैठ गया।
बाजारी चले गए। कुदरत नेचर समा चेंज होया। रात जो पैंदी उत्थे ठंड बहुत होंदी, उत्थे बंदा रह ही नहीं सकदा। उस बंदे को हुण खाना भी है नहीं, कपड़े भी है नहीं, क्योंकि मंदिर ही सी उन्हां टाइमां च। होटल हाटल है नहीं सी, ना कोई दुकाना सी, मंदिर ही हुंदा सी। बहुत पुराने समय की गल ना। तो हुण ओह भगत बेचारा कल्ला ही बैठा मंदिर के बाहर। रात जदों पै गई, शाम जी दा बेला सी ना जदों मंदिर बंद किया, उधरों रात पै गई, जावे कित्थे नूं। उहदे मन च सीगा कि कोई नहीं, सवेर नूं आउणगी इह, खोल दोगे। उदे कहिंदा होणा, मैनूं पक्का नहीं सी पता कि सच्ची 6 महीने बाद खोलदे। इन्ने नूं जदों रात पई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई। बाबा जी कहिंदे आ कि जिहड़ा कोई सच्चे दिलों गुरु नाल प्रेम करदा, जरूरी नहीं कि गुरु उस रूप में आवे, उन्हूं दर्शन देवे। गुरु और परमात्मा किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं, अपने भगत को दर्शन जरूर देंगे। भगत पहचान करे चाहे ना करे, भगवान उसकी मदद कर जरूर आते हैं। हुण स्वयं शिवजी महाराज, शंकर भगवान, त्रिलोकी नाथ आप ही एक साधु के रूप चाहे, जिदा जटा, जिदा हुण फिल्म च नहीं दिखाते, नाटक चलता, महादेव सीरियल आता, इदा ही स्वयं सच्ची परमात्मा आप ही इदा लंगोट लगाया, बड़ा उच्चा शरीर, साधु रूप च आ गए, कंबल मोढ़े ते रखिया, ते खाना उन्हां दे हाथ च आ के वह कहिंदे भई मंदिर कहते बंद किया। उस भगत नूं पुछदे हुण, हुण शिवजी महाराज नहीं बने हुए, साधु दा रूप आ जिदा है, वह कहिंदे मंदिर बंद वा। वह कहिंदा जी मंदिर बंद वा, तो पुजारी कह गया कि हुण खुलना नहीं, इदा कि मैं उन्होंने बहुत मिन्नतां कीतियां पर मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की। तो कहिंदे मैं भी मत्था टेकण आया सी, शिवजी महाराज कहिंदे। तो वह भोलेनाथ स्वयं कोल बैठ गए हुण भगत दे बाहर ही, तो उन्हूं पुछदे कहिंदे तू खाना खाना, कहिंदा हाँ जी भुख लगी। वो उन्हें कुछ खाना सीगा, पता नहीं किहो जिहा उन्होंने खाना खिलाया। खाना खिलाउण तो बाद जिहड़े शिवजी महाराज सीगे आप स्वयं साधु दा रूप धारण करके आए, उन्होंने अपने वाला कंबल भी उन्होंने देता। कहिंदे तुसीं थके हो लगदे हो, तुहाडे पैर सुजे हो, छाले पए हो, मेरी सेहत ठीक आ, किते ठंड बहुत हुंदी आ, कि तुसीं मेरे वाला कंबल लै लो, रैसट कर लो, कि आपां सवेरे मत्था टका देवांगे तुहानूं, कि मेरे बाकवा पंडित जी। वो साधु हुण कह रहा है कौन आ, स्वयं परमात्मा। और जदों कंबल दिता, वह नींद आ गई, भोलेनाथ दे भगत नूं नींद आ गई। तो हुण समां 6 महीने बीत गए, एक रात च 6 महीने बाद पुजारी आले दुआले नेड़े पिंडां दे पंच सरपंच होर भगत झंडा लैके आए, ढोल ते नगारियां नाल। हुण जिहड़े पिंडां दे पुजारी है ना, झंडा लैके ढोल नगारे बजदे आए आ, वह भंगड़े पाउंदे आउंदे आ। ते जदों दी अख खुल्ली ते उह पुजारी ने पुछया, कहिंदे भई तू इत्थे बैठा कि तू अज आया? वह कहिंदा अज की आया, मैं तो रात इत्थे हाँ। हुण उह बेचारे ने पता ही नहीं कि 6 महीने बीत गए, वह कहिंदा मैं तो रात दा ही इत्थे हाँ। पुजारी कहिंदा तू ठीक वहां, असीं 6 महीने बाद आए हाँ। वह हुण कह रहा भगत, कही जांदा नहीं नहीं मैं तो राती आया सी, तुसीं राती तो जिंदा आ के गए हैं, जो मैं तुहाडे नाल बैसे सी तुसीं मेरे नाल। वह कहिंदे तू रात किदां कट्टी फिर? हुण उन्हां तां पता आ, सरपंच पंच जिहड़े नाल मैंबर सी, वह कहिंदे भरावा तू ठीक भी आ, सानू 6 महीने बाद आए असीं सारे जाने। वह कहिंदा कि मैं राती सीगा इत्थे, तुसीं मैनूं ठालिया हुण आ गए। भगवान ने अपने भगत की 6 महीनों की एक रात च कट दित्ती। हुण रामायण दे विच देखो तां कुंभकर्ण किदां सी, वह भी तां 6 महीने सौंदा सी तां एक दिन जागदा सी। इदां भगवान कुछ भी कर सकदे आ, भगत की भगती सच्ची हो गई। फिर उन्होंने पूछा कि तू सारे जने जिदा इंट्रस्टड हो गए उन्होंने बन देखने लग पे, वह कहिंदे भी तू सच्ची इदा होया? वह कहिंदा भी मैनू नहीं कुछ भी पता, उन्होंने यकीन ना हो भगत नूं भी, हुण वह नहीं मानता उधर, वह नहीं मानते।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਕੰਬਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ। ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਆ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਇੰਦਰਪ੍ਰਸਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲੇਜਨ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗੂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਦਿਉ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਿਉ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਇਮ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੋਈ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂਹੀਓ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲੇਰਨ ਧਾਮ ਤੋਂ ਨਾਮ ਭਜ ਲਿਆ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਰਬਤ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕੁੰਡ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਭੀਮ ਕੁੰਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੰਬ ਬੰਬ ਕਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੰਬ ਬੰਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਬਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਬੰ ਬੰਬ ਬਬੰ ਬੰਬ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਔਖਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਓ ਨਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ, ਮਾਂ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ 12 ਸਾਲ ਗਾਈਆਂ ਚਾਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਰਤਨੋ ਦੇ ਘਰ 12 ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ 12 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜਣਾ ਉਹ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਲੇਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਚਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਹੀਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਮ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਬੇੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ।